हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पूर्वे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवन ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8-1 प्रोपोर्शन पार्ट 5। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 5:8 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 16:25 देन फाइंड ए इज टू सी। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। We have a is to b is equal to 5:8. This means a by b is equal to 5/8 and given b is to c is equal to 16:25. This implies b by c is equal to 16/25. We have two ratios given. By the help of these two data or information, we have to find A is to C. For this, we find a relation between these two ratio, that is we have a by b multiply a by b is multiplied by b by c then here we put the value of these two, that is 5/8 multiplied by 16/25. 8 1 8 8 2 16, 5 1 5 5 5, that is 2/5, and here b is cancelled by b. Finally we get a by c is equal to 2/5, and this can be written as a is to b, a is to c is equal to 2:5. 2:5 is the final answer of given question. तो इस दोनों वैल्यू को हम क्या किए, ऑपरेशन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए, तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:6 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:7 then find a ratio b ratio c, that means a is to b is to c. Now let's see the solution. We have given a is to b is equal to 5:6. This implies a by b is equal to 5/6. This is not need to be converted into fractional form, and b is to c is given 5:7. Now we have to convert this value of b into this value of b. डैट मीन्स ये जो यहाँ बी का वैल्यू 4 दिख रहा है, इसको यहाँ 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कर पाएंगे हम लोग, इसको 4/7 लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब यहाँ 4 बी की वैल्यू है, यहाँ बी की वैल्यू 6 है, तो इस बी को, इस 4 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को यहाँ हटाना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या चाहिए हमको, 6, तो 6 न्यूमरेटर में लिख दिए, ठीक है। डैट मीन्स नोमिनेटर को 6/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को भी 6/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो नोमिनेटर क्या मिल गया, 6, और यहाँ डिनोमिनेटर मिल जाएगा 2 3 2 2, डैट इज 21/2।
Here we see that value of b is 6 and value of c is 21 by 2. Then finally we have a is to b is to c is equal to a की value कितनी है 5, b की value यहाँ 6 और b की value यहाँ भी 6 और c की value है 21 by 21 by 2. अब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमेटर को डिनोमेटर में जो 2 आ गया है उसको हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म को करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 10 12 21 इज द फाइनल रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए इज टू बी इज टू सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड आर एस 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन स्टेट्स दैट 360 को कुणाल और मोहित ने 7:8 रेशियो में हमको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस मीन्स 7 पार्ट इसको कुणाल को मिलना चाहिए और 8 पार्ट्स जो है मोहित को मिलना चाहिए. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टू सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियो टर्म्स, जो टर्म्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, उस रेशियो टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे. तो क्या मिलेगा, 7 + 8 दैट इज 15. टोटल 15 पार्ट्स में हमको इस अमाउंट को डिवाइड करना है. उसमें से 7 पार्ट्स को किसको देना है, कुणाल को, और 8 पार्ट्स किसको देना है, मोहित को. देन सो वी हैव कुणाल्स शेयर इज इक्वल टू 7 पार्ट्स देना है, 7 by total 15, एंड हेयर वी राइट टोटल अमाउंट 360 विच इज इक्वल टू आर एस. यहाँ से 15 से कटेगा, 15 2 जा 15 4 जा 24 7 जा डेट इज 168 रुपीज कुणाल शेयर. एंड मोहित शेयर इज इक्वल टू 8 पार्ट्स आउट ऑफ 15 पार्ट्स, एंड हेयर वी राइट टोटल पार्ट्स 360 रुपीज 15 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज गिवन 192 रुपीज. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड आर एस 880 बिटवीन राजन एंड कोमल इन द रेशियो 1/5:1/6. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. 1/5:1/6. फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस रेशियो इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज 1/5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 30:1/6 मल्टीप्लाइड बाय 30 दैट इज 6:5. नाउ राजन्स शेयर इज इक्वल टू टोटल 11 पार्ट्स, 6 पार्ट ऑफ आउट ऑफ टोटल विच इज राजन शेयर, एंड हेयर 880 11 8 जन डेट इज 480 रुपीज. एंड कोमल शेयर इज इक्वल टू 5 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट्स
मल्टीप्लाइड बाय टोटल 880 रुपीज, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 400 रुपीज, विच इज द फाइनल आंसर। इफ डिवाइड एनी अमाउंट और एनी क्वांटिटी और एनी वैल्यू into any given ratio, we have to find sum of the ratio terms. उस given ratio का जो भी terms है उसका sum find कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते थे, 1/5 + 1/6 कर सकते थे, और जो sum of terms आता उस वो हो जाता total, total की जगह वो लिखा था, और ऊपर में numerator की जगह 1/6 लिखा था, तो भी क्वेश्चन बन जाता। तो हम सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है, फिर अलग अलग सभी का शेयर फाइंड कर सकते हैं। नीचे हम जो लिखेंगे वही यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर टोटल शेयर लिख रहे हैं, टोटल रेशियो, तो यहाँ भी टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ हम अगर राजन का शेयर लिखेंगे तो यहाँ भी राजन का ही मिलने वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर में जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।